लाइफ का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी। छुपाने की क्या बात है यार, तुम लोग टाइटल में देख चुके हो कि हम लोग लेने वाले हैं अपनी पहली सुपर कार की डिलीवरी विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब लोग यहाँ पर है, पापा मम्मी जैसे कि मैं बोलता हूँ इनसे 10 बजे तैयार हो जाए तो ये होते नहीं है, तो पापा मम्मी प्लीज तैयार हो जाओ। गुड गुड गुड। और तुम दोनों भाई पानी करवा दो, नहाने को कुछ नहीं है। अबे तू अबे एक मिनट, तू क्या कर रहा है, तेरा घर तो बगल में। ये फिर आ गया भाई, यार यहाँ चल गया यार। तो यार सारे के सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले तो जा चुके हैं तैयार होने, उसके बाद हम लोग निकलते हैं सीधा वेन्यू। यार मैं तुम लोगों को ना ये चीज जेन्युइनली बता नहीं सकता हूँ कि ये कितनी अनरियल है और कितनी, मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं तुम लोगों को ये बोर्ड देखो, तुम लोग ये मैंने 2016 2017 में लिखा था जब मैं काम करता था, मेरे को था कि ये करना है वो करना है ऐसी चीजें, और उसमें एक ध्यान से देखिए ना तो उसमें एक लिखा हुआ है बाय अ मस्टैंग। तुम समझ रहे हो, उस टाइम पे मेरा मन था कि एक मस्टैंग होनी चाहिए, और आज हम लोग कुछ ऐसा अनवील करने वाले हैं, कुछ ऐसा लेने वाले हैं जिसमें लिटरली उस प्राइस पे तुम 3 मस्टैंग ले सकते हो, वो इतनी महंगी चीज है। पापा मम्मी का हाथ रहे सर पे, तैयार हो ना तुम लोग, है ना? मस्त लगी ना वैसे, देखी तो है तुमने, देखो क्योंकि गाड़ी में पहले घर में लेके आया था तो देखी तो है मेरे पापा ने, दोस्तों ने नहीं देखी वो बात अलग है, बट मस्त है ना, लोगों को मजेदार लगेगी ना बहुत, है ना भाई? तुम लोग देखो बस हम जहाँ जा रहे है ना, तुम बस देखो गाड़ी को भाई, लव है वो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे एंड इट इज टाइम टू रिवील आवर सुपर कार। भाई रेडी हो ना? मैं बाबा रेडी, सारे दोस्त रेडी, तैयार हो दोस्तों? तो 3 2 1। नहीं 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 भाई, रिवील से पहले बस थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है अंशु बेस्ट और आप लोग मुझे गेम ऑफ लीड के नाम से भी जानते हो। मेरे YouTube पे 6 चैनल है जहाँ पे 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। बट ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था जहाँ मेरे पापा एक बस कंडक्टर थे और बेरली इतना कमाते थे कि हमारी टेबल पे फूड लग जाए। मैंने स्कूलिंग करी है एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से, बट वो सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा ने अपने 30 साल लाइफ के बाहर दिए। बट ये स्टोरी मैं आप लोगों को इमोशनल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर ये वीडियो देख के 10 बंदे भी इंस्पायर होगा और उन्हें अपनी लाइफ चेंज कर दी ना, ये मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानूंगा। तो मेरे पास कोई चांदी की चमची नहीं थी, मैंने जो भी किया उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, चाहे वो मेरा पहला फोन हो जो मैंने दिवाली में मालाएं बेच बेच के लिया, या फिर मेरा पहला कंप्यूटर जो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बनाया था। मैंने तो लाइफ में ऐसा टाइम भी देखा है ना जहाँ पर मेरे पापा ने अपनी थाली से खाना मेरे उसमें रखा और खुद भूखा रहे जबकि वो सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का काम करते हो, कभी कभार तो और ज्यादा। ले अपने पहले नए कपड़े मैंने 6th क्लास में देखे जब टीचर ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुला के पापा मम्मी को खूब सुना दिया कि तुम्हारे बच्चे इतने गंदे कपड़े पहन के क्यों आते हैं। अब उस टाइम से सोचो आज ऐसी सुपर कार की रिवीलिंग करना, यार कैसे बताओ, बड़े से बड़े बंदे का भी एक बहुत बड़ा ड्रीम होगा। बट अगर मैं कहूंगा ना ये मेरी ड्रीम कार है तो बोल तो कोई भी सकता है, बट सच्ची बताऊं तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था एक टाइम पे कि मैं ऐसा कुछ लूंगा। मुझे तो आज भी याद है 11th क्लास में मेरी ड्रीम बाइक हुआ करती थी एक पल्सर 150, जो कि मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा मेरे को नहीं दिला सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। बट मेरे पापा ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जो कि थी कमाओ और खाओ। मेरे पापा का लिटरली मोटो था कि तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो लेना है वो लो, बट अपनी मेहनत से लो, और वो चीज लाइफ में मेरे को बहुत आगे तक लेके गई है। सो आई जस्ट वांट टू थैंक माय पेरेंट, और आज जो ये गाड़ी ले रखी है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे पेरेंट का। बहुत बड़ा हाथ क्या, मतलब मैं ही हूँ मेरे पेरेंट का, मैं क्या बोलूँ इससे ज्यादा। पहली बात तो ये कि एक सेम फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। जो बंदे ये देख रहे हैं ना उनको यही लगेगा कि भाई इसकी जगह पे एक प्लॉट ले लेते, एक बड़ा घर ले लेते वो ज्यादा सही होता, बट तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली ये गाड़ी क्यों ली इतनी ज्यादा महंगी। तो अब आ जाते हैं अपनी YouTube जाने की तरफ को, जिसकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। मैंने अपना पहला चैनल बनाया था January 24, 2017 में, बट मेरा पहला कंप्यूटर बनाने की स्टोरी से काफी ज्यादा पहले, मैं कम से कम 6 महीने के आसपास लगे थे। मेरा पहला कंप्यूटर था, मैंने सेकंड हैंड पार्ट जोड़ जोड़ के बनाया था, ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को, हर महीने कुछ 2 या 2500 रुपए कमाता था, और वो सारे लगा लगा के मैंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया। मैंने स्ट्रीमिंग चालू करी वीडियो से हटके और वो थोड़ा बहुत अच्छा चला 2017 लेट,
और फोर्टनाइट पे भी तुम्हारे भाई ने थोड़े बहुत झंडे गाड़े, मैं टॉप 25 टॉप 5 प्लेयर्स में आ गया था इंडिया के विंग्स में, बट चैनल ना उस ग्रोथ पे नहीं चल रहा था, उस पेस पे नहीं चल रहा था। फिर मैंने स्टार्ट किया पबजी की स्ट्रीम्स करना और वो थोड़ा बहुत अच्छा चलने लग गया, बट दिक्कत ये थी कि मैं सुबह के 11 से लेके शाम के 5 बजे तक का रोज स्ट्रीम करता था और कभी कभार ऐसा होता नहीं था, बट मैं कभी कभार अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए ले भी जाता था, तो मेरे पापा कई बार ऐसा करते थे कि वो पूरे कमरे की MCB गिरा देते और इसके ऐसे पूरे घर में लाइट चले जाती थी, तो थोड़ा सा गुस्सा आता था, थोड़ा सा बुरा लगता था, क्योंकि होता था ना कभी कभार ऐसे एकदम से तेज तेज वॉचिंग बढ़ती थी और फिर पापा MCB गिरा देंगे, पूरी लाइट गई, सब खत्म। बट यार अगर तुम ब्रॉड वे में सोचो, मैं हमेशा से एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चला कि यार आप एक ऐसी जनरेशन को ये बोल रहे हो कि मैं कंप्यूटर में बैठ के चिल्लाते हुए गेम खेलते हुए पैसे कमा लूंगा, एक करियर बना लूंगा, ऐसी जनरेशन को बोल रहे हो जो अपने टाइम पे हमारी एज में इनके हाथ में फोन्स भी नहीं थे, बट मेरे को अपने में पूरा विश्वास था कि मैं कुछ तो करूंगा, तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी खुश करके उसके साथ साथ जॉब करना स्टार्ट किया। तो अब मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ लेकिन मैं दिन में जॉब भी करता था। मैंने पहली जॉब उठाई थी एक बिस्किट डिपो में, फिर वो कंप्यूटर से लेके कन्वेयर बेल्ट में बिस्किट के बड़े बड़े डब्बे डालना हो या फिर ट्रक में बैठ के वो सारे सॉर्ट कर करके लगाना हो, सारी चीजें हम करते थे। कभी कभार ऐसा होता था मैं सुबह के 8 बजे जाता था और रात के 1-1 बजे तक घर आता था। एक दो बार तो मेरा एक्सीडेंट भी होते होते बचा था, जस्ट बिकॉज रात को ट्रक से बहुत चलते थे। तो वो सारी चीजों से भी बढ़ बढ़ के मेरे को दिल्ली में एक जॉब मिली, मैं वहां पर गया तो, लेकिन मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल समझ में नहीं आया वहां पे, मेरी जेब में उस टाइम पे याद है मेरे को अभी भी सारा रेंट भर के सब कुछ खाने पीने करके 27 रुपए बचे हुए थे और मैं सब लोगों से काफी फेवर्स ले चुका था, तो मैं अपने और दोस्तों से ज्यादा फेवर लेना नहीं चाहता, तो मैंने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। 4 किलोमीटर दूर होता था विकाजी का प्लेस में था मेरा, शायद से ज्यादा मुझे याद है अभी भी, ऑफिस 2 जुलाई की गर्मी वाली धूप में एकदम, और 2-3 दिन तक तो सब कुछ सही रहा, बट 4th-5th दिन में मैं एक बार बेहोश हो गया रोड, मतलब प्रॉपरली धूप की वजह से। तो एक ऑटो वाले भैया ने मेरे को घर तक छोड़ा और वहां पर मेरे को थोड़ा समझ में आया ना कि मेरे को लाइफ में और मेहनत करनी है ताकि आज जो हुआ ना ये इसके बाद कभी ना हो। फिर उसके बाद आया कोविड, तो मैं घर आया, फिर मैंने YouTube को डबल टाइम करना स्टार्ट कर दिया और ये सारी चीजों के टाइम पे मैं YouTube कर रहा हूँ, मतलब जॉब चल रही है बट उसके साथ साथ मैं YouTube कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन था, वो मेरा प्यार था कि मुझे करना है तो करना है वाली चीज वही। फिर मैंने घर आया, डबल टाइम एकदम YouTube को देना स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके चीजें अच्छी हुई, ऑल गाइस गेम आया और बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने, बट बात बनी एक टूर्नामेंट जहां पर इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स है और तुम्हारा भाई, इसके 25-30 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ हजार वॉचिंग आ जाती, 800 वॉचिंग आ जाती थी, वो आया और भाई मेरे को मतलब मैंने दिन रात एक कर दी उस गेम में, एंड गेस व्हाट, तुम्हारा भाई वो टूर्नामेंट जीत भी लिया। वो टूर्नामेंट जीतने के बाद भाई की थोड़ी बात बढ़ने लगी, बट मैं उन बंदों में से नहीं था कि थोड़े से मैं खुश हो जाए भाई, मैंने और ज्यादा मेहनत करी, मैं रात भर एक कर देता, मेरे को आज भी आता है एक दो रात तो ऐसे मैं सोया ही नहीं, मैं बस रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगला क्या कर सकता हूँ, मजे आ गए। और मेरे को देखते 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 मिला माइनक्राफ्ट, जिसमें मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे बट लाइव स्ट्रीमिंग कोई नहीं कर रहा है। मैंने स्टार्ट किया फिर माइनक्राफ्ट की लाइव स्ट्रीम करना, स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी खराब हुई बट फिर मैंने बनाई स्वीट SMP, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हो उनका लाइक बहुत बड़ा इमोशन होगा, तो वो बहुत ज्यादा फन हुआ, लोगों को मजा, और धीरे 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 भाई की बात बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और आज 6 चैनल्स 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स और अब एक सुपर कार। मैं मजाक नहीं करूंगा, टाइम कैसे फ्लाई बाय करता है ना पता नहीं चलता है, खास करके जब तुम कैसे बताया दिन रात एक कर रहे होते हो। बचपन से ना मुझे बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक था बट फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैं कभी ले नहीं पाया, तो जैसे तुम्हारे भाई ने कमाना स्टार्ट करा वैसे ही हम लोगों ने ले ली अपनी ड्रीम बाइक जो कि थी एक ड्यूक 390। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई ड्यूक 390 जैसी गाड़ी ली और उसके बाद तुमने एक सुपर बाइक नहीं ली। मेरा ना एक्चुअली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं इसमें था और ट्रैफिक में हम लोग रुके हुए हैं बट पीछे से एक बंदे ने आके ठोक दी। उस दिन मेरे को पता चला कि बाइक थोड़ी सी समझ लो ना अनसेफ होती है, वो अलग अलग चीज़ है। तो तुम्हारे भाई ने उसके बाद डायरेक्टली सोचा कि अब हम लोग थोड़ा सा गाड़ियों की तरफ को घुसते हैं और ये थी हमारी पहली कार टाटा हैरियर, समझ लो ना इंडिया का लोहा, यस। तो ये ली थी और बिलीव मी ब्रो, ये अभी भी मेरी सारी गाड़ियों में मेरी फेवरेट कार है। मुझे अगर दिल्ली जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सर्विस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा बट गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्ती, इसने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने गाड़ी सीखना भी इसमें स्टार्ट किया था, तो इसको मैंने बहुत घिसा भी था तुम समझ रहे हो ना। बट उसके बाद थोड़ा सा भाई को ना मन किया कि ऑफ रोडिंग करते, थोड़ा पहाड़ों में जाएंगे, मजे होने चाहिए और थोड़ी टॉर भी, तो हम लोग लेके आ गए भाई अपने लिए एक थार, समझ रहे हो ना, वहीं तो थार भाई, फिर से एक और बार दोबारा इंडिया का लोहा।
तो हम लोगों ने उसके बाद थार ली, बट सैडली मैं थार को बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया। इसकी एक स्टोरी है कि ये ऐसा क्यों है, जो मैं तुम लोगों को ढंग से बताऊंगा किसी दिन, अभी बताऊंगा तो तुम लोग हंस पड़ोगे। तो यस, ये सारी चीज़ों के बाद आज हम लोग दिखाने वाले हैं तुम्हें अपनी पहली सुपर कार। मैं पापा रेडी होना, एकदम बढ़िया ना दोस्तों, सारे रेडी होना, तैयार होना। अरे तू क्या कर रहा, अबे ये रुक जा भाई, नहीं फोड़ना है। अरे अरे उससे बोल रहा हूँ नहीं फोड़ना है, तू क्यों फोड़ रहा है भाई? तुमने तो कहा था ये फोड़ेगा तब तू फोड़ना, तो वो कुएं में कूदेगा तू भी कूदेगा, वो तो देख लो यार। तुम ऐसे बंदों के साथ रहता हूँ ना मैं, भगवान कसम कह रहा हूँ। फाइनली मतलब फाइनली इट इज टाइम टू रिवील द सुपर कार, तैयार हो ना? कोई नहीं फोड़ेगा पहले। हाँ, 1 2 3 Let's go! भाई, भाई फाइनली तुम्हारा फाइनल ले लिया 911 करेरा एम। ओ भाई भाई तो भाई मजा आ गया भाई, क्रेजी ब्रो। मस्त है ना भाई, चाबी देना। साले सकल अच्छी नहीं, बातें तो अच्छी करेगा। घूमी घूमी करके No, I'm sturdy like a mini rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knocking. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Benny, but no, she don't shade the knock. Russell Wilson way, I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, don't leave that gun around. चलो यार गाड़ी तो रिवील हो गई, अब फटाफट से एक बार स्टार्ट। ये किसने करी आवाज गाड़ी में? ये भगवान कसम यार, किसी काम के लोग नहीं है। तो चलो ये रही हमारी गाड़ी की चाबी, अब जा जाओ स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं आवाज आवाज चीजें सब कुछ आ रहा हो। चलो हो जाए रेडी। भाई रेस देना, रेस देना, रेस दो, रेस दो, रेस दो। ये बोलना इसलिए नहीं दूंगा आपने। भाई भाई हिल रही है गाड़ी, मुंह लगा के देख। अबे भाई, अबे भाई मुंह पे तेल पड़ रही है भाई, गाड़ी है यार भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, ऐसे क्रेजी हो रहा है ना, और मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग खाली एक सुपर कार में नहीं बैठे, हम लोग अपनी सुपर कार में बैठे हैं। तुम समझ रहे हो ना बात, कंडक्टर का लड़का छोटे से घर से आके अपनी सुपर कार में बैठा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना प्राउड फील हो रहा है। दिस इज अनरियल यार, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, वो भी नई गाड़ी। आओ इसका ये निकालते थोड़ा सा, ये लो भाई, देर भी को दोस्तों। और अब इसी के साथ हमारी गाड़ी पूरी खुल चुकी है, सब कुछ रेडी है। भाई क्या है भाई, ये तो बवाल है भाई, ये तो आराम से बैठना है, आराम से, बहुत नीचे है ना, थोड़ा डर लग रहा है। हाँ ये मम्मी तो यार मम्मी यार पहले से बनी थी गाड़ी में बैठने के लिए। चलो बाबा हो जाए, आराम आराम से। हाँ ये कैसी लग रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। स्टार्ट करो एक बार, ब्रेक दबाओ, ये बड़ा वाला, ये वाला ऊपर है, हाँ इसको दबाओ जोर से। अब इसको घुमाओ ऐसे, चाबी घुमाओ, हाँ इसको घुमाओ ऐसे एक बार, जैसे चाबी घुमाते ना वैसे घुमाओ। ये वाला बटन दबाओ पापा, वो वाला जिसमें एग्जॉस्ट बने आ रहे, देखो एग्जॉस्ट वाला बगल में, हाँ ये वाला, अब दबाओ पंजा। ये
फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर। एंड बिलीव मी, मेरे को पता है तुम लोग चाहोगे कि मैं करूँ, अरे ये देखो गाइस ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। बट ऑनेस्टली बताऊँगा, दिस इज़ अ लिटिल इमोशनल फॉर मी राइट नाउ जो चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये अनरियल है यार। मतलब मैं कैसे बोलूँ यार, जो लोग मेरे को शुरू से देखते हैं ना, एकदम शुरू से, उन सबको पता है कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैंने क्या किया है, मैं कहाँ से आया हूँ, कितनी मेहनत करी है, सब कुछ। मैं भाई दिन रात एक करता हूँ, इतने सारे चैनल्स हैं, सब पे कुछ ना कुछ कॉन्टेंट डालना, हर चीज़ पर अलग अलग चीज़ें। तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू गाइस, एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी मेरे गेमिंग वीडियोज़ देखते हैं, या फिर आप मेरे नॉट गेम फ्लीट वाले की वीडियोस देखते हो, आप स्ट्रीम्स देखते हो, आप व्लॉग्स देखते हो, आप अंशु वर्ष की वीडियो, आप जो भी देखते हो ना, आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू। मतलब सीधी सी बात है यार, विदाउट यू गाइस ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। मेहनत है मैं मानता हूँ, लाइक मेरे को याद नहीं होगा लास्ट टाइम मैं कब सोया हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को ये याद है कि मैं लास्ट टाइम कब दो तीन दिन लगातार नहीं सोया था जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। बट यही चीज़ है ना यार, मेरे को, मैं बस ब्लेस्ड हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, कि हम लोग मतलब जो चीज़ करते हैं वो कर पाते हैं। तुम लोगों को इतना पसंद आता है, तुम लोग इतना प्यार देते हो, एंड आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू गाइज इन माई हार्ट। एंड मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। और हम लोग अपनी कर्री करैरी में बैठे हुए हैं, जो लोग देखते हैं वीडियोज उनको पता होगा व्हाट इज कर्री करैरी। दिस इज सरियल यार, तुम समझ रहे हो ना, मतलब मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा, तुम समझ रहे हो, मेरे सपने वेंट हाईएस्ट टू अ मस्टैंग, जो कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है। मैं भी उस टाइम पे छोटा ही था, वो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है एक मस्टैंग, वहाँ से सपना शुरू हो गया। नाउ वी आर सिटिंग इन अ 911 करेरा एस, विच इज अनरियल यार। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा टू एवरी वन, ईच वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू से लाइफ में ना काम करो, ठीक है, और ऐसे करो ना जैसे कल नहीं है, समझ लो। अपना थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान दो, खैर मैं नहीं होता हूँ ये बोलने वाला, सही बताऊँ तो जैसी हरकतें मेरी है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो, बट लाइफ में ना काम करो, और कभी लेट नहीं हुई है। हम लोगों को देख के मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलता हूँ कि आई एम सॉरी अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ या फिर मैं कोई चीज़ दिखा रहा हूँ। प्लीज़ यार, मेरे को एटलीस्ट, अगर आप मेरे को अपना कुछ भी मानते हो, दोस्त मानते हो, आइडल मानते हो, अपना फेवरेट यूट्यूबर, अपना खाली एक यूट्यूबर जिससे तुम चिल मारते हो, कुछ भी मानते हो ना मेरे को, तो इतनी सी मेरी बात मान लेना, कभी भी लाइफ में फोमो मत करना। मतलब ये मत सोचना कि तुम कुछ मिस आउट कर रहे हो, तुम जहाँ पर हो ना लाइफ में, तुम अपनी परफेक्ट प्लेस पे हो, अब यहाँ से मेहनत करो। अब आप चाहे 18 साल के हो, 15 साल के हो, 10 साल के हो, या फिर आप 30, 40, 50 साल के हो, बस मेहनत शुरू कर दो भाई, मतलब रुकना नहीं है, बस काम चलते रहना चाहिए। काम स्टार्ट हुआ एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बस करते जाओ भाई। कभी भी प्लीज ये मत सोचना कि तुमने लाइफ में बहुत कुछ मिस आउट कर दिया है, कि हाँ मेरी एज इतनी हो गई है, भाई वो देख, उसको देख, वो ऐसी एज में सुपर कार में बैठा हुआ है। मैं प्लीज भगवान से मैं आपको बस प्रे करता हूं, प्लीज कभी भी ऐसा मत सोचना कि ऐसा हो गया है, ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, मेहनत करने के लिए बहुत टाइम है। आराम से अपना काम करो, मैंने भी करी, मैंने भी अपने जॉब्स करे, इतनी सारी जॉब्स करी जिसमें सच्ची बताऊंगा तो बहुत गंदे गंदे टाइम भी देखा, बट नाउ वी आर सिटिंग इन आर ओन सुपर कार, एक घर तैयार हो रहा है। तो तुम लाइफ में जो भी करना चाहते हो ना, बस फुल हार्टेडली करना, और कभी भी अपने मम्मी पापा को परेशान मत करना।